नगर पालिका तरावड़ी वार्ड नंबर 7 के लोगों ने बीपीएल राशन कार्ड सर्वे में कर्मचारियों पर मिलीभगत से सर्वे कर धांधली का आरोप लगाया है। वार्ड के बलवंत सिंह ने बताया कि उनके वार्ड में काफी घरों की स्थिति दयनीय है, वह लोगों के पास रहने तक के मकान भी नहीं है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों ने उनके बीपीएल राशन कार्ड सर्वे में नाम लिखने से इनकार कर दिया है। वहीं करम सिंह ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा धनवान व सिफारिश लोगों के साथ मिलकर सर्वे में जमकर धांधली की जा रही है। जिन लोगों के घरों में सुख सुविधाएं हैं वो लैंटर के मकान हैं, उन लोगों के नाम सर्वे में दर्ज करवाकर उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से पार्षद के पति व समाज सेवी राजकुमार ने बताया कि उनके वार्ड में विधवाओं को जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है उन्हें भी बीपीएल की सूची से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। समाज सेवी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों एसडीएम अश्विनी मलिक ने अपनी पूरी टीम के साथ तरावड़ी शहर का दौरा भी किया था, लेकिन नगर पालिका कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण एसडीएम साहब को उनके वार्ड तक नहीं पहुंचने दिया गया ताकि लोगों को समस्याओं को सामने ना आने दिया जाए। ओम प्रकाश सुमन, पूजा देवी व पूर्व पार्षद विद्या देवी ने बताया कि कल सोमवार को सभी लोग एकत्रित होकर नगर पालिका सचिव को शहर में दोबारा निष्पक्षता से सर्वे करने के बारे में एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। का सर्वे कर दिया, जो धांधली बाजी है इन गरीब लोगों के साथ में, इनके साथ में न्याय है, इनकी जांच की जाए। तो क्या चाहते हैं आप, दोबारा से सर्वे हो? दोबारा से दूसरा अधिकारी लगा के। तो हाँ जी, बलवंत जी आप हमारे साथ, आप बताइए जी क्या समस्या है? नहीं, बीपीएल की समस्या जी। हाँ जी, बीपीएल की जो सर्वे होने थे बिल्कुल नाजायज हो जी। क्या कमी रही सर्वे में? और इस सर्वे में मौके पर जो है करे मिली भगत से सर्वे करे और बीपीएल में कोई कैसे मिली भगत रही, मतलब क्या कुछ बस ये शो करिए, दो दो मौके पर थे जनाबी ने मनोज की और उसकी अशोक की, अशोक की ने साठ गांठ से काम हुआ जी। क्या कुछ रहा उसमें? उसमें ये रहा कि मान ले जो पात्र थे उनके होए नहीं है, जो कड़ियाड़े मकान थे उनका सर्वे नहीं किया इन लोगों ने, लेंटर वालों के